बच्चों, अभी हम जिस पाठ को समझेंगे वह आर्यभटा, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और देखेंगे कि इसके प्रश्नोत्तर जो है किस प्रकार के हैं। आप हर एक लेसन की वीडियो जो है वो देखते हैं, उनके प्रश्नोत्तर करते हैं, उसी तरह से आर्यभटा इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हम 10 मिनट में ही इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर कर लेंगे। आप इन्हें अच्छे से देखना, रिप्लाई में जाके कमेंट करना कि सर हमने इस वीडियो को देख लिया, आपको वीडियो कैसी लगती है, उसको लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या है आर्यभट्ट के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 में ये लिखा हुआ है कि एक पद है ना उत्तर, इनको आपने वन वर्ड में आंसर लिखना है, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्य कस्याम दिशायाम उदिति, सूर्य किस दिशा में उगता है, उदित होता है, सनराइज कहाँ कहाँ से होता है। तो पूर्वस्याम, पूर्व दिशा में। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र अस्ति, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ है, तो पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में है। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्छ का अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विच्छ कौन थे, वह थे आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन ने कहा ग्रंथ रचिता, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचित किया, आर्यभटीय। अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभटा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आर्यभटा लेसन हमने पढ़ा था, उसमें आर्यभट्ट के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की थी, एक निबंध वाला एक लेसन था। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपने फुल सेंटेंस आंसर देने हैं। कहाँ सुस्थापिता सिद्धांत था, कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्र ग्रहणम कथम अवधि, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। और उसके बाद है प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ये कैसे किया गया। ठीक है, तो इन सब के उत्तर जो हैं नीचे दिए हुए हैं। सूर्य अचला पृथ्वी च चला, सा च पृथ्वी स्वकीय अक्षे गुणती थी सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। सूर्य अचल है, पृथ्वी चल रही है, जो अपने अक्ष पे घूम रही है, ये सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसा होता है, जब पृथ्वी की छाया पास से चंद्र का प्रकाश जो है अवरुद्ध होता है तब चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य का होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो समाज में नया जब भी कोई सिद्धांत आता है तो सभी लोग उसका विरोध करते हैं, तो इसी इसी कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ था। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किस लिए किया गया, आधुनिक वैज्ञानिक ही आर्यभट्टम प्रति समादरम प्रकटयंता प्रथम उपग्रह से ना, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आर्यभट्ट के प्रति आदर दिखाते हुए इस पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्न निर्माण करो। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो कैसे बनेगा प्रश्न, सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। ठीक है, क्या रहेगा, कस्याम। फिर उसके बाद है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कथम प्रचलिता रूढ़ी। ठीक है, उसके बाद है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धा वर्तते, आर्यभट्टस्य योगदानम किम संबद्धा वर्तते। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय समान सामान्य जनाः काठिन्य मनोवर्ति, के काठिन्य मनोवर्ति। ठीक है, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्र से छायापातेन ग्रह सूर्य ग्रहणम भवति, कयोः मध्ये। ठीक है, तो ये प्रश्न निर्माण हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक अगर आपने वीडियो ने लाइक की तो वीडियो लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए और समझे इनको नीचे कमेंट में जाके, कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कर सकते हैं। मंजूषा से पदों को चुन के रिक्त स्थान पूरे करो। ठीक है, ये आ गई हमारी मंजूषा, ब्रैकेट। सूर्य पूर्व दिशा में देती, पश्चिम दिशी चा क्या आएगा यहाँ पर, अस्तम, अस्तम गच्छति। सूर्य चला पृथ्वी चा चला, पढ़ा था हमने, यहाँ लिखा है नीचे उत्तर में लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी स्वकीय अक्षे गुरुनति,
यदा पृथ्वी छायापादेन चंद्र से प्रकाश आवृति तथा चंद्र ग्रहणम भवति नौकायाम उपविष्टा मानवा नौकाम स्थिरा मनोभवति। ये इसका उत्तर है, ये आंसर्स हैं नीचे, आप इन आंसर्स को अच्छे से देख लें। कुछ पूछना है तो रिप्लाई में जाके आके कमेंट करें और पूछ सकते हैं आप कुछ भी जो आपकी इच्छा हो ऐसा क्वेश्चन पूछें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपने संधि विच्छेद करना है। ग्रंथोयम कैसे होगा, ग्रंथः प्लस अयम ग्रंथोयम, सूर्याचलः सूर्य प्लस अचलः, तथैव तथा प्लस इव, कालाधिगामिनी काल प्लस अधिगामिनी, प्रथम उपग्रह से प्रथम प्लस उपग्रह से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसे हमने पढ़ लिया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है कि नीचे लिखे पदों का विपरीत अर्थक पद जो है वो लिखो। उदय का विपरीत अर्थक क्या होगा, विपरीत अर्थ मतलब अपोजिट, विलोम क्या होगा उदय का, उदय मतलब उदय, राइज होना, राइज का क्या होता है सनसेट, सनराइज का क्या होगा सनसेट होगा, उदय का क्या होगा उदय मतलब उगना, अस्त क्या होगा अस्त, अचला चला अंधकार प्रकाश, स्थिर स्थिर समादर आदर आकाशस्य आकाश का, पाताल से हो सकता है ना, पृथ्व्या भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर, ये रहे इसके उत्तर। यहाँ लिखा है उदयः अस्तम अचलः सचलः अंधकारः प्रकाशः स्थिरः स्थिरः गतिशीलः समादरः विरोधः आकाशस्य पृथिव्याः। उसके बाद नीचे लिखे पदों का समानार्थक पदों पद पाठ से चुन करके लिखो, ठीक है। संसारे का क्या होगा लोके, इदानीं सांप्रतम वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निक्षा, गणनम गणित पद्धति, राक्षसो दानवो। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि आपको वाक्यों को रचना है, यहाँ एक आपको शब्द दिया हुआ है इसके ऊपर आपने एक वाक्य बनाना, ठीक है। सांप्रतम का होता है आजकल, निक्षा होता है पास, परिता होता है चारों ओर, उपविष्टा होता है बैठे हुए, कर्म भूमि होती है जहाँ पर हम काम करते हैं, और वैज्ञानिक हो गए साइंटिस्ट, जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो चलिए सांप्रतम के ऊपर आजकल इसके ऊपर एक वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ मैंने वाक्य बनाया हुआ है, सांप्रतम यंत्र माध्यमेन वयम अधिकाधिकम कार्यम समापयाम। आजकल हम यंत्र के माध्यम से अधिक काम खत्म कर सकते हैं। निक्षा का हो गया ग्रामम निक्षा उद्यानम विद्यते, गांव के पास एक उद्यान है। उपविष्टा का हो गया आसनम उपविष्टा सा आत्मानम राजानम, आसन के ऊपर बैठ के अपने आप को राजा मानता है। कर्मभूमि भारतम इति कर्मभूमि रियम, हरि है। उसके बाद वैज्ञानिका वैज्ञानिका नव नवम यंत्रम आविष्कुर्वन्ति, वैज्ञानिक नए नए यंत्र जो है उसका आविष्कार कर रहे हैं। ये हमारी एक वीडियो थी आर्यभट्ट के प्रश्नोत्तर के ऊपर आधारित वीडियो, आपने देखी होगी। कैसे लगी आपको वीडियो, ये नीचे जाके रिप्लाई में, कहाँ जाना आपने, नीचे रिप्लाई वाला होगा ना ऑप्शन, वहाँ पर जाके कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसी तरह से बाकी जितनी भी वीडियो हैं सब देखें, पहेली का लेसन है उसकी वीडियो भी है, इसके आगे वाला लेसन जो है उसकी वीडियो भी देखें, उसको समझें अच्छे से और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और दिखा दें कि आपने इस बार लॉकडाउन में रह करके भी बहुत अच्छे से स्टडी की है, हर एक वीडियो अगर आपने देखी होगी तो 100% आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो ये थी आज तक की वीडियो, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जुड़े रहें, बाकी वाली वीडियो देखें, तब तक के लिए धन्यवाद।